যে অচেনা অজানা দুর্ভেদ্যকে জয় করে, যার না আছে কোনো সীমানা না কোনো পরিধি। निकल के आई मूवी का टोटली गूज बम्स है, बहुत अच्छा लुक लग रहा है। नीरज पांडे ना सच पिक्चर फाड़ने वाली है। अच्छा डायरेक्शन लग रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, एक्शन पे रिएक्शन, सुपरस्टार है बंगाली इंडस्ट्री के, किलर है बंदा, क्वालिटी का क्राइम बेस्ड वन, एक्शन वाइज तो अच्छा लग रहा है, एक एक सीन मतलब दिल जीत लिया, और जबरदस्त उनका कैरेक्टर लग रहा है, खतरनाक टीजर है, फुल ऑफ एक्शन मूवी तो लोचा है भाई, एक्शन में भी बल्कि स्मार्ट लग रहे, काफी ब्रूटल होगी, काफी बढ़िया लगा भाई, दिस लुक्स इंटरेस्टिंग है, बायो पिक्चर फाइनल, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है जीत को, क्या पर्सनालिटी है इसकी, फुल ऑन स्वैग एटीट्यूड के साथ, जीत के लुक तो माइंड ब्लोइंग यार, किलर है बंदा, ओह माय गॉड ही इज लुकिंग अमेजिंग, टॉक अबाउट ग्रेट टीम, इट जस्ट स्टार्ट्स ऑफ बाय हिम स्लाइसिंग द अदर गाय, सो मूवी का पोस्टर रिलीज हुआ तो काफी क्रेजी, मतलब कहते हैं ना एक अच्छा वाला वाइब क्रिएट हो गया था, अब टीजर आ गया तो और भी अच्छा वाइब क्रिएट हो गया होगा, काफी अच्छा डायरेक्शन लग रहा है, साइड लॉक से वो एक 60-70 का एक वाइब देता है, जो आप दिल इतना उन वही पर दिस वाज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट पीसेस आई हैव सीन, आई वाज एक्शन में भी वो इतने स्मार्ट लग रहे हैं, तो सोचो वो रोमांस का सीन करेगी तो क्या होगा, तारीफ करने के लायक है, हीरो का एक्शन, हीरो का स्टाइल, डायलॉग्स, एक एक सीन मतलब दिल जीत लिया, लेकिन पिक्चर थोड़ी स्टाइलिश लग रही है गाइस, और यार मैं आपको बताऊं, देखो बंगाली इंडस्ट्री के अंदर ना एक एक्टर है और जो की जिसने अब मेरा दिल जीत लिया है भाई, जिनका नाम है जीत, उन पर ये कैरेक्टर बहुत सूट कर रहा है, गैंगस्टर ड्रामा लग रही है, टीजर टोटली का टोटली गूज बम्स है, स्टार्टिंग का म्यूजिक काफी अच्छा है, जब ट्रेलर चालू होता है सब कुछ एक्चुअली परफेक्ट, आपके पास कोई भी फ्लॉ ढूंढने का टाइम नहीं मिलेगा, इट्स गोइंग टू बी ए एक्शन पैक टाइप ऑफ मूवी, मतलब वो टीजर देख के ना वही लिए ना, ये टीजर बहुत ही ज्यादा धमाकेदार था और एक्शन से भरा हुआ था, जिस किरदार को भी पकड़ता उसको निभाता भी है, मैंने काफी तारीफें सुनी इस इंसान की, टीजर इतने धमाकेदार जानदार किस्म का है तो यार मूवी कैसी होगी, लॉट ऑफ एक्टर्स गोइंग ऑन इन दिस मूवी दैट वुड बी वांट, और खास कर जो उनकी फाइट सीक्वेंस है वो बहुत जबरदस्त लग रही है, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक इस लेवल का कोई मैंने शॉट नहीं देखा है, चंगे मूवी का यार, बल्कि उनका पूरा लुक मुझे काफी पसंद आया, पूरा फ्रेंच जो है कट जो उनका फ्रेंच लुक है, इतनी बेहतरीन एक्शन फिल्म ये है कि आपको कहीं ना कहीं जो है ना वो बॉलीवुड और साउथ की फिल्म जो है ना वो सब मिक्सर मिल जाएगा, स्टोरीज भी मुझे लग रही है कुछ होगी क्योंकि बैक स्टोरी होगी इसकी कुछ, हाँ, तभी तो वो क्रिमिनल बना हुई, हाँ, इसमें डॉन या इसमें गैंगस्टर लग रहे हैं, ये कि मुझे लुक इनकी अच्छी लगी है, ऐसे काट रहे हैं खून निकल रहे हैं, मैं देख के ही परेशान हो गया, पिक्चर का टीजर तो वाकई में अच्छा है, जिस हिसाब से तो एक अच्छी फिल्म लग रही है, मुझे चेंगे शानदार उनका कैरेक्टर लग रहा है, जीत का सीन काफी बढ़िया लगा, गैंग्स वाली फीलिंग आई है जैसे गैंग वॉर्स होती है और ये सारा सीन होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, नीरज पांडे की स्टोरी है तुम्हें पता ही होती है, ये प्रॉपर वो एक्शन टाइप मूवीज है, अब ये तो देख के मजा ही आ गया, अब जैसे फाइटिंग सीन्स वगैरह एक एक सीन देख रहे हैं, क्या शूट हुआ एकदम फास्ट में चल रहा था, एक्शन डायरेक्टर जो है अपने काफी अच्छा काम किया इन्होंने, तो मुझे वो डायलॉग लगा है कि चंगेज का ना कोई आज है ना कल, चंगेज जो है जो तेरा ना ही कोई लिमिट है ना ही कोई बाउंड्री है, तो ये डायलॉग मुझे बहुत ही जबरदस्त लगा, आंख बंद करके इतना तो भरोसा कर सकता हूँ कि ये मूवी अच्छी होगी, इस तरह से यहाँ पे जीत सर की एंट्री और जिस तरह से भाई साहब उनका स्वैग बोर्ड के ऊपर से आना, वो मैदान के अंदर एंट्री भाई, चाकू ऐसे ऐसे घुमा करके वो नाइफ से मारना, डायलॉग भी बहुत ही तगड़े डायलॉग बोले हैं, और जो जीत सर है उनकी वो जिस तरीके से एक्शन करते ना वो देखने में बड़ा मजा आता है, जैसे हमें रावण में बहुत मजा आया था, रावण मूवी का बाप आ रहा है चंगेज मूवी, इतना जरूर कहूंगा कि ये मूवी कहीं फाड़ने वाली है, टीजर से पता चल रहा है कि ये पूरा एक एक्शन पैक मूवी होने वाला है, टीजर बहुत ही जबरदस्त था और जीत को बंगाली इंडस्ट्री का किंग भी बोला जाता है, सुपरस्टार है बंगाली इंडस्ट्री के, जिस तरीके से उसको कॉस्ट्यूम दिया गया, ड्रेसिंग दिया ना और हेयर स्टाइल और लुक दिया ना, मुझे बहुत कड़क लगा, मतलब नीरज पांडे की स्टोरी है तो रहेगा अतरंग जी, थिएटर में ना तालियां बजने वाली है, म्यूजिक अच्छा लगा, इसका एक्शन अच्छा लगा और जीत की लुक अच्छी लगी, काफी अच्छी इतना मैं नोटिस कर पा रहा हूं, इसकी स्टोरी को राजेश गांगुली और नीरज पांडे ने दोनों मिलकर उन्होंने लिखा है, बहुत ही शानदार एक्शन लग रहे हैं, बीजीएम बहुत ही जबरदस्त है, कि बीजीएम की तो लवली, टीजर इज अमेजिंग, पूरा का पूरा टीजर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, खतरनाक है और स्टार है ना 5/5 है, सिर्फ और सिर्फ है तो चंगेज बहुत ही जबरदस्त था, हिज एक्टिंग इज एज यूजुअल ऑसम, कुछ भी नहीं थे
बहुत कुछ बनने तक की स्टोरी। अगेन मैन, दिस इज मोर ऑफ एन एक्शन पैक्ड मूवी। टीजर काफी बढ़िया लगा, बाकी ज्यादा कुछ नहीं पता नहीं। समझने के हर जगह भी डिफरेंट कल्चर नजर आ रहा है मुझे। फुल ऑन गैंगस्टर वाली पिक्चर है जिसमें म्यूजिक भी होगा, एक्शन भी होगा। टीजर तो बहुत अमेजिंग सही लग रहा है। मतलब मूवी इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी ह्यूज वन एंड एक्शन हीरो सॉर्ट ऑफ है बोल सकते हो। क्योंकि पूरे मूवी में एक्शन ही एक्शन था। स्टार्टिंग का म्यूजिक काफी अच्छा है जब ट्रेलर चालू होता है। जिस तरह से एडिटिंग की है तो वाकई में यार मुझे चंगेज लिटरली फाड़ डालेगी।